अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं ट्यूटोरियल लेकर आ गई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोग को जिस तरह पता है ये मेरा सैंड का टेक्सचर है जिसको मैंने कहा था कि मैं शिफ्टिंग करूँगी इसकी। तो अभी मैं इसकी शिफ्टिंग करूँगी और इसमें ये ज़ीरो साइज स्टोन है इसको इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, ये दो बाउल्स हैं मेरे पास, इसको ऐड करूँगी इसमें। और ये है प्योर सीमेंट, ये इतना सा ऐड करूँगी इसके अंदर। तो पहले इसकी शिफ्टिंग कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये अभी देखें इसमें क्या कुछ ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, मल्टीपल स्टोन्स ऐड हुए हुए हैं, ये खुद ब खुद ही ऐड हुए हैं। ठीक है, पहले से ही इसके अंदर। इसको मैं साइड पे रख लूँगी। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने शेप्स मेकिंग की थी, आप लोगों को वो पसंद आई है। तो अब मैं और भी करूँगी। ये देखें, ये प्योर सैंड है। ये टेक्सचर मेरा वेट था, इसको एक दिन के लिए मैंने ड्राई किया ताकि ये आराम से शिफ्टिंग हो जाए। अब ये देखें, ये इतना टेक्सचर रह गया। इसको शिफ्ट करने के बाद ना मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ। ठीक है, और इसमें से ये देखें ये वाले स्टोन्स अलग हुए हैं, इसको किसी और टेक्सचर में ऐड करूँगी। चले जी, ये शिफ्टिंग डन हो गई है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे। ठीक है, और ये स्टोन्स भी आप लोग देख लें, ये स्टोन्स निकले हैं इसमें से। ये स्टोन्स निकले हैं, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सीमेंट। ठीक है, ये पूरा बॉक्स मैंने इसमें ऐड कर दिया सीमेंट का। और अब जाएंगे इसके अंदर ये स्टोन्स, 2 बाउल्स हैं ये स्टोन्स के। 0 साइज़ स्टोन है ये, वाइट स्टोन। और ये सेकंड बाउल ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब बस इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। स्टोन्स इसमें मुझे अभी भी कम लग रहे हैं, मैं इसमें स्टोन्स और लेकर आती हूँ और ऐड करती हूँ। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है।